देश के प्रमुख शोध संस्थान सिम्फर में दो दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि खनन पद्धति में उभरता आधुनिक तकनीक विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय सेमिनार में देश विदेश के 200 से ज्यादा वैज्ञानिक मंथन करेंगे और अपना विचार एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। Our state has been blessed by nature God. It is mineral rich state. It justifies Ratnagar Bhagwa Sundara. Jharkhand state covers an area more than 79,714 square kilometers with about 29.61% forest area and owns about 40% of total mineral resources of India. The state occupies first position in coal reserve, second position in iron ore reserve, third position in copper ore reserve, seventh position in bauxite rich reserve, and is the sole producer of prime coking coal of India. इस मौके पर IIT ISM के निदेशक डॉक्टर राजीव शेखर, संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर TP सिंह और डॉक्टर अमलेंदु सिन्हा के अलावा देश विदेश के 26 संगठनों से आए 200 वैज्ञानिक उपस्थित रहे। पंजाब केसरी TV के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।